हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग जिस मूवी का बात करेंगे, इस मूवी का नाम है रंगी तरंगा। और ये मूवी को रिकमेंड किया था आप ही सभी लोगों ने, और बहुत दिनों से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई एक बार रंगी तरंगा मूवी देखो। अब मैं आप लोगों से दिल से थैंक यू बोलता कि वाकई में ये मूवी डिजर्व करती है वन ऑफ दी बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर में से एक जो हमारी इंडिया में बनी है। और आप ही लोगों में से कितने लोगों ने मुझे ये बताया कि ये मूवी शॉर्ट लिस्ट हुई थी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए, जो कि वाकई में डिजर्विंग है। मैं मानता हूं, मानता क्या, डेफिनेटली डिजर्विंग थी। उसके अलावा ये मूवी ने बाहुबली के सामने रिलीज होने के बावजूद भी 100 दिनों तक थिएटर में लगी रही। ये अपने आप में एक बोलते ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहुबली जैसे कि आपको पता है कि कितनी ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी है आज तक की हमारे इंडिया में, और उसके सामने ये टिकना 100 दिन तक अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल वाली बात है। और वाकई में ये फिल्म इतनी ज्यादा जबरदस्त फिल्म है कि मैं आपको बता नहीं सकता। स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे वाली सीन में होगा क्या। और मैं इतनी सारी फिल्में देखता हूं, लेकिन मैं खुद गैस नहीं कर पा रहा था कि आखिर में हमें नेक्स्ट सीन में क्या बताने वाला है। मैं इतना ज्यादा मतलब इम्प्रेस हुआ इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर, जिसका नाम है अनूप भंडारी सर से, यार कमाल है। एक्टिंग की बात हो तो इसमें नीरू भंडारी, अवंतिका शेट्टी और राधिका चेतन हमें नजर आते हैं। लेकिन इस फिल्म की जो मेन जान है वो इसकी कहानी। जितने ट्विस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे शायद ही आपने किसी फिल्म में देखा होगा। इस फिल्म की कहानी तो मैं ज्यादा नहीं बताऊं, क्योंकि देखिए कहानी बताऊंगा तो आपका जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना ट्विस्ट है कि वो मजा भी आपका खराब नहीं होगा अगर आप छोटा सा प्लॉट भी जान लोगे तो। खैर, इस मूवी की कहानी बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपको ये फिल्म देखना तो आप इसे YouTube पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और साथ साथ MX प्लेयर पर भी देख सकते हो, और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती इंदु और गौतम से। दोनों हस्बैंड वाइफ है, इंदु प्रेग्नेंट है, लेकिन इंदु को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तभी वो अपने हस्बैंड गौतम को बोलती है कि मेरे जो मॉम डैड और मेरे दादाजी थे, जो हमारे पुश्तैनी गांव में हमारे पुश्तैनी घर में रहते थे, तो उस घर में उनको लगता था कि भूत है, तो इस वजह से उन लोगों ने मेरे पैदा होने से पहले वो घर को छोड़ दिया था। लेकिन मेरे दादाजी वहां से आते वक्त में वहां की जो एक मंदिर है भूत मंदिर, वहां से सोना चुरा लिए थे और दोबारा वो उस गांव में लौट कर गए नहीं। लेकिन जैसे मेरे मॉम डैड और मेरे दादाजी गांव छोड़कर आए शहर में, उसके बाद बारी बारी उन लोगों की मौत हो गई। और उतना ही जब मेरा पहला बच्चा था तो पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि मुझे वो गांव वापस जाना पड़ेगा, वो जो भूत मंदिर है वहां जाकर पूजा करनी पड़ेगी और जितना भी सोना था वहां पर फिर से चढ़ाना पड़ेगा। तो उसका हस्बैंड गौतम बोलता कि ठीक है, तुम ऐसा कहती हो तो चलो चलते हैं। तो वो लोग उस गांव की तरफ रवाना होते हैं, यानी उनके पुश्तैनी गांव की तरफ। तो उसके बाद इस कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी रंगी तरंगा। इसके अलावा इसमें और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। एक और कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊं, क्योंकि वो नहीं यार स्पॉयलर्स नहीं देने घर से। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो जगह डायरेक्टर एक ऐसा हिंट देता है कि आपको लगता है कि भाई वही विलन है, लेकिन निकलता है कुछ और है, जो कि बहुत जबरदस्त बात लगी। उसके अलावा ये कहानी मुझे थ्रू आउट द वे तो ऐसा लग रहा था कि यार वाकई में मैं फिल्म देख रहा हूँ, ऐसी फिल्म देख रहा हूँ जो मुझे पर्सनली मालूम भी नहीं था कि हमारे इंडिया वाले भी इस तरीके की फिल्में बना सकते हैं। और वाकई में ये एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिस इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ साल पहले तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं थी। खैर, अब जब मुझे सब पता चल रहा था, यार धीरे धीरे मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ वाकई में मैं फिल्में देख रहा हूँ। और जो आजकल लोग बोलते हैं ना, स्पेशली जो हिंदी ऑडियंस बोलती है कि हमें अच्छे कंटेंट वाली फिल्म चाहिए, हमें गुड कंटेंट वाली फिल्म चाहिए, तो भाई ये ही है गुड कंटेंट वाली फिल्म। एक बार आप इस फिल्म को देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं इतना कह सकता कि अगर इस फिल्म का बजट ज्यादा होता और इसको ट्रीटमेंट और अच्छा मिलता ना, तो ये बहुत ही शानदार मूवी बनती भाई। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि इसके बजट की वजह से और इसको ट्रीटमेंट इतना कुछ अच्छा नहीं मिला, वरना यार ये फिल्म बहुत ही शानदार थी भाई। क्योंकि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, सब A to Z इतना लाजवाब है कि मैं बता नहीं सकता भाई। फिल्म देखते वक्त रोंगटे खड़े हो रहे थे, स्पेशली मैं इसके क्लाइमेक्स सीन की बात कर रहा हूँ। ओहो, मतलब यार ये पूरी मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं यहाँ पे फेक तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद बेटर जज हो। आप ये फिल्म को देखो, अगर आपको ये फिल्म बुरी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छी लगे तो आपका काम ये है कि इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस करना पड़ेगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, जाओ जल्दी जाओ मूवी देखो, और मूवी पसंद आएगी तो मुझे जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ राशि सिंह, आप सब अरहान एंटरटेनमेंट।